हेलो गाइस, आप में से बहुत से लोग मांग करते हैं कि मैं एक लाइव ट्रेडिंग रिकॉर्ड करूं। अगर मैं लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मैं उसको रिकॉर्ड करूं, एंट्री भी लाइव दिखाऊं, एग्जिट भी लाइव दिखाऊं। तो अब मैं उसको लाइव दिखाने जा रहा हूं। एंट्री तो खैर मैं लाइव नहीं दिखा पाया, बट मैंने अभी लाइव ट्रेड ले रखी है, उसको मैं लाइव ही एग्जिट करूँगा। तो वो चीज़ अगर आपको देखनी है थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखनी होगी। फिलहाल मैंने देखो 352 पे एक ऑर्डर लिया था। कितने बजे लिया था भला? 9:17 पे। ठीक है जी, ये मेरी होल्डिंग्स हैं, इसको हम इग्नोर करते हैं और मैं दिखाऊंगा अपनी पोजीशंस को। पोजीशन के अंदर अभी 1000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, 375 का भाव चल रहा है। मेरा टारगेट केवल और केवल 50 रुपया है, मैंने अभी लगाया नहीं है। मैंने मन में सोचा हुआ है कि 403 पे इसको मैं निकालूँ। ओके, अभी कुछ भी हो सकता है, मार्केट नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। मैंने किस आधार पर लिया आइए दिखाता हूँ। लाइव चार्ट मैंने कल मार्केट एनालिस वीडियो में, जो मैंने सैटरडे को पोस्ट कर दिया था, आप जाके दे सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको दो लेवल दिए थे, 38,000 का और एक 37,300 का। तो अभी मार्केट उसके बीच में ही खुला, और वैसे मैंने कहा था कि आप उसके ब्रेक होने पे ही ट्रेड ले सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा देखो एडवांस ट्रेडर हूँ, मेरे को थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा पता है। तो मेरा ये मानना है, मैं अपना बता रहा हूँ कि मार्केट देखो गैप डाउन ओपन हुआ, अगर इसको नीचे आना होता तो ये नीचे आ चुका होता, 9:22 हो चुके हैं। अगर मार्केट नीचे भगना होता ना गाइस ऐसे, तो 5 मिनट के अंदर भग भी जाता और अपना ये लेवल तोड़ 37,300, बट ये नीचे नहीं आ पाया है। तो इसकी कोई वजह होगी, मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है। वोलेटाइल मीन्स अभी मार्केट आपको रेड दिख रहा है, थोड़ी देर बाद ये ग्रीन भी हो सकता है। तो उस ग्रीन का फ़ायदा उठाने के लिए मैं एक कॉल बाय कर सकता हूँ। तो मैंने उस लॉजिक के साथ कॉल बाय कर लिया, सिंपल है। मार्केट में टाइम हो रहा है 9:23, अब 23 मिनट हो चुके हैं। मार्केट अभी 37,577 पे है। बात ट्रेड लेने की नहीं है, बात मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसकी नहीं, बात है लॉजिक की और मैंने माइंड की कि मैं कैसे इसको डील कर रहा हूँ। मैंने 352 पे लिया था 50 क्वांटिटी। मेरा टारगेट है 403 का, मतलब कि 50 पॉइंट का टारगेट है मेरा। 367 पे है, अभी हो सकता है कि 300 पे भी आ जाए, तो मेरे को थोड़ा सा वहाँ पे एवरेज डाउन करना पड़ेगा। एवरेज डाउन मींस मेरे को थोड़ा सा नीचे की तरफ बाय करना पड़ेगा। अगर नीचे आता तो बाय कर लूँगा थोड़ा सा। तो फिलहाल देखिए, आपकी ख्वाहिश रहती है कि आपको लाइव ट्रेड देखनी है तो थोड़ा सा वेट तो आपको करना पड़ेगा।
अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे प्राइस 352 से काफ़ी ऊपर आ चुका है, 388 रुपये के आसपास, 390 रुपये के आसपास आ चुका है। आई थिंक मेरे को अपना टारगेट प्राइस लगा देना चाहिए। मार्केट काफ़ी अच्छे शानदार तेज़ी के साथ ऊपर आ रहा है। जो मैंने एनालिस किया था कि मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी होनी चाहिए, वो वोलेटिलिटी शायद अब आ गई है। ओके, तो ज़्यादा मेरे को नहीं चाहिए, लालच नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले टारगेट लगा देता हूँ मार्केट में। देखो देखो ये ऊपर आना शुरू हो चुका है। ओके, मैं अपना टारगेट लगाता हूँ फटाफट। हाँ, 403 कर देते हैं। अब टारगेट में लगा दिया है और 403 पे ये स्क्वायर ऑफ भी हो गया। ओके, तो ऐसे करके गाइस मैंने प्रॉफिट बुक किया। क्या किया मैंने, सिंपल एक प्राइस एक्शन फॉलो किया। मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई, फ्लैट ओपनिंग नहीं हुई। अगर फ्लैट ओपनिंग होती और वो नीचे भागता तो हम अपना लेवल सपोर्ट ब्रेक होने पे एक ट्रेड लेते हैं। बट मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन से ये होता है कि मार्केट में थोड़ा नेगेटिविटी आती, पर नेगेटिविटी नहीं आ पाई, मार्केट में एकदम से फॉल नहीं आया। आपको ये पता होना चाहिए कि जब मार्केट गिरती है तो तेज़ी के साथ गिरती है, जब ऊपर उठती है तो थोड़ा धीमे धीमे उठती है। तो मार्केट जब गिरने की बारी आई, गिरा नहीं, गिरा नहीं, तो उसका मैंने देखा कि शायद ये मार्केट गिरने वाला नहीं है। तब मैंने जाके वहाँ पे एक कॉल बाई किया जिसके अंदर मैंने 50 पॉइंट अर्न किए। वैसे तो मैं टारगेट 100 का भी ले सकता था। मार्केट देखो अभी 402 का मैंने लिया टारगेट, 403 का लिया है, 414 पे आ भी चुका है। हो सकता है कि 452 पे भी जाए, मेरे को 100 अंक का टारगेट मिल जाता। पर अब ये कहीं भी जाए, चाहे लंदन तक जाए, चाहे कहीं तक भी जाए, मेरे को उसको नहीं देखना। यही आपको अपनी ट्रेडिंग में करना चाहिए। तो ऐसे करके आप मेरे को दे सकते हैं, मेरी लाइव ट्रेडिंग वीडियो देखें और ज्ञान लीजिए। ओके, अपना कीमती समय देने के ऊपर दिल से धन्यवाद भाई।